टू माई चैनल माई ब्यूटी बॉक्स। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल माई ब्यूटी बॉक्स। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। आपका मोटिवेशन, आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है और अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो रिज्यूम होने वाला है क्लब हाउस से। सो लेट्स जस्ट बिगिन। तो क्लब हाउस जाने के लिए थोड़ा जो रास्ता है ना वो मेरे को बढ़िया दिख रहा है। थैंक यू। एंड खाली रोड सीधे जाके उन्हें बोला स्टेयर्स उतरनी है एंड थोड़ा सा आगे जाके और है। मेरा रिबिन आ रहा आगे। जो एटमॉस्फेयर है ना वो बहुत सूथिंग है, बहुत रिफ्रेशिंग है, क्योंकि इतने सारे ट्रीज, एकदम फ्रेश एयर जो जयपुर में तो कमी देखने को मिलती है। बिकॉज जब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लेवल, सॉरी पॉपुलेशन या पॉल्यूशन लेवल चेक करती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा आता है, काफ़ी पॉल्यूटेड बताते हैं यार। कहते हैं घर पे रहो, बाहर इतना सही नहीं है एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे लाइक इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा। और सभी लोग यहाँ पे मोस्टली वॉक करके ही चल जाते हैं, बिकॉज ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो चलो चल रहे हैं। वो देखो वीडियो बन रही है। ये क्लब हाउस जाने के रास्ता यही, इसके बाद में कहाँ जाना है? ब्रिज क्रॉस करके ठीक है। आप ऐसे आओगे? हाय गाइस, आज यहाँ पर मनाली में क्लब हाउस में दिखने जा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम कीर्ति है। मेरा नाम अनु ठाकुर है। बाय 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 बाय। ठीक है दीदी, बाय। हाँ धन्यवाद। मतलब ये मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग यहाँ का है ना कि लोकलाइट बहुत हेल्पिंग नेचर की है, बहुत ही प्यारे हैं, एकदम अच्छे से आपको हर चीज़ गाइड करेंगे। बिकॉज एज सच वी आर क्यूरियस, हमें नहीं मालूम कौन सी जगह कैसी है, कहाँ पे है, जैसे कि हमें कौन सा ट्रांसपोर्ट लेना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना चाहिए या प्राइवेट बुकिंग करानी चाहिए। वो अच्छे से आपको गाइड कर देते हैं कि आप क्या करो, कहाँ ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। क्योंकि क्या है ना, टूरिस्ट को देख के वो लोग एक का चार करते हैं, वो तो अपने आप ही हर जगह ही होता है, बट एक ये कि वो हमें गाइड कर देते हैं तो हमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा यहाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। देखना चाहेंगे कुछ इंटरेस्टिंग? वाव, इसकी आवाज, शोर मच रहा है यहाँ पे, शोर वहां से आ रही है। मैं पता नहीं अभी उतरते उतरते ना मैंने शूज पहन रखे हैं, स्टिल मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें मेरे पैर की नस चढ़ रही है। ब्रिज क्रॉस करना, ब्रिज के दोनों साइड। भैया एंट्री फीस है? एंट्री टिकट नहीं है। हाँ एंट्री टिकट कितने का है? 25 पर पर्सन। अच्छा कैश लोगे यहाँ? कैसे कैश? 3-4 घंटे ट्रैफिक में टिकट ले लिया है अब।
यहाँ से आपको दिखने वाला है मनाली का क्लब हाउस। जैसे मैंने एंट्री ली, मुझे वहाँ पे बहुत सारे वूलन आउटफिट्स देखने को मिले, मीन्स बेसिकली वूलन बियर्स, जैकेट्स, स्वेटशर्ट्स, स्वेटर्स, ये सब वहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ था। और ये एक शॉप थी जिसके बाहर मुझे काफ़ी कूल और प्रिटी वीमेन जैकेट्स देखने को मिले थे, और मुझे सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और मैंने सोचा क्यों ना लेट जस्ट ट्राई इट, तो मैं फिर शॉप में एंटर करी और मैंने इनको बोला कि मुझे पर्पल वाला अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मुझे ये ट्राई करवाइए। फिर उन्हें वो लेके आए और उन्हें ट्राई आउट कराया, और ट्राई आउट करने के टाइम पे जो मुझे देखने को मिला, और एक्चुअली जब मैंने इसे ट्राई आउट किया मुझे लगा ये छोटा है। छोटा होने की वजह से फिर मैंने सोचा क्यों ना दूसरे ट्राई करके देखूं जो मुझे और इसके अलावा जो मुझे पसंद आ रहे हैं, तो मैंने फिर वो मंगवाए क्या मुझे वो ला के दीजिए, मैं वो भी ट्राई करना चाहूँगी। सो बस मैं ट्राई कर करके देख रही थी, और ट्राई करने के बाद जब मुझे एक एक्चुअली ढंका लगा था, जो कि आप भी देख ही होंगे मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में, मैंने एक वाइट एंड ब्लैक प्रिंट का, यानी कौन सा प्रिंट कहेंगे उसको सो फिर मैं उसको ट्राई करी, मतलब उसको पहन के मैंने देखा, और मुझे वो जैकेट रियली में बहुत अच्छा लगा खुद पे। और ट्राई आउट करने के बाद मुझे उसका साइज़ भी ठीक लग रहा था। फिर मैंने उनसे की बारगेनिंग, बिकॉज वो इस जैकेट के मुझे जो कॉस्ट बोल रहे थे वो थी 1500। एज सच काफ़ी ठीक था फैब्रिक, मतलब वूलन के हिसाब से देखा जाए तो, जयपुर की सर्दियों के हिसाब से तो मुझे वो जैकेट बहुत ही गर्म लग रहा था, बट स्टिल मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा एक होता ना सफाई, मतलब एक तरीके से क्वालिटी का, मतलब फैब्रिक की जो क्वालिटी थी वो इतनी फाइन भी नहीं थी कि 1500 का लगे। तो मैंने उनसे बोला कि अगर आप कहें तो अगर मैंने उनसे कहा कि अगर आप मेरे को ये 1200 में देंगे तो मैं ये जैकेट ले लूँगी। इन द एंड हम लोगों की बार्गेनिंग स्टॉप हुई और वो नहीं माने, और मैंने सोचा कोई बात नहीं, लेट इट बी, बिकॉज ये 1500 के लाइक तो नहीं है। सो फिर मैं वहाँ से चली गई और आगे का क्लब हाउस एक्सप्लोर करने लगी। अगर आपको कुछ गेम्स वगैरह खेलने हो तो मेरे को तो कुछ इतना देखने के बाद ना, क्लब हाउस के नाम पर तो ये सिर्फ नाम ही है, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं एंटरटेनिंग, और जो देखने को मिलेगा वो है सिर्फ शॉप्स। एक्चुअली इस टाइप के जो शॉप्स होते हैं ना, हम जाके खड़े हो जाते हैं और टेस्ट करते हैं कि कैसे, बाकी के लिए ना कुछ भी नहीं होता है, वो बस एक होता है कि टेस्ट कर लो कैसी है, कौन अब कॉफ़ी वॉफी खाता है, ये आदत नहीं रही। अरे हैंडलूम का ही है सारा, और तो कुछ मुझे खास नहीं लग रहा। कुल मिला के मुझे एक ही जगह सही लगी क्लब हाउस में, वो थी एक फोटोजेनिक स्पेस जहाँ पे इन लोगों ने बना रखा था लव मनाली, वहाँ पे मैंने फ़ोटो वगैरह ली और फिर मैं बस चली गई। वरना उससे पहले मेरा तब दिल दुख रहा था ना कि मैं इतना दूर चल के आई, और सच में मैंने पे भी किया 25 रुपीज़, और कुछ मतलब नहीं निकला। सो बस मैं यहाँ पे फ़ोटो वगैरह ली और मैं फिर चली गई वहाँ से। जो मैंने आपको वाटरफॉल दिखाया था ना ब्रिज के ऊपर से, ब्रिज देखो, वो ब्रिज के मैं नीचे आके दिखाने का